मसीह यीशु के कादर नाम में आप तमाम भाइयों बहनों बच्चों और बुजुर्गों की सलामती हो। मेरे जीजो, जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि पूरी दुनिया की नजरें खासतौर पर पाकिस्तानी डायस्पोरा एंड पाकिस्तानी क्रिश्चियंस, इनकी नजरें दुनिया के दो बड़े इलेक्शन पर है। नंबर वन, एक तो प्रेजिडेंशियल इलेक्शन यूएसए, जिसकी अभी ट्यूजडे को कैंपेन और आपने देखा उनकी डिबेट हुई जो बाइडेन की एंड प्रेजिडेंट ट्रंप की, लेकिन वो तो नवंबर में हो रहा है। दूसरा जो बड़ा इलेक्शन आ रहा है पाकिस्तानी चर्च और पाकिस्तानी डायस्पोरा कम्युनिटी जिस पर नजरें जमाए हुए हैं, और वो है कराची डायसेस, कराची एंड बलूचिस्तान डायसेस के एपिस्कोपल या बिशप के इलेक्शन। आज की न्यूज तक या आज के डेट तक जो है, इलेक्शन अभी तक डिलेड है, अभी तक फाइनल डेट नहीं आई, जिनमें से तकरीबन चार मेजर प्राइमरी कैंडिडेट सामने आए, जिनमें से दो या तीन कैंडिडेट स्टिल इन द रेस। और हम ये तवक्को करते हैं कि खुदा करे कि जो भी खुदा का प्लान, खुदा का मंसूबा है, जो भी खुदा का खादम आएगा वो खुदा की मर्जी और प्लान के मुताबिक आएगा। लेकिन जब हम बिशप की इस बात करते हैं तो आपको पता है कि बिशप इज अ टाइटल व्हिच इज वेरी फेमस एंड वेरी प्रोमिनेंट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड एज वेल एज इन द नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड। अब आप देखें कि हमारे पाकिस्तान में इवन जो चर्च स्ट्रक्चर है, जो जो चर्च पॉलिटी है, उसमें जहां पर बिशप का निजाम नहीं भी है, वहां पर हमारे जो पेंटिकॉस्टल दोस्त हैं उन्होंने बिशप काउंसिल इवन बनाई हुई है। व्हाई? बिकॉज देयर इज एन आइडेंटिटी बिहाइंड दैट। लेकिन ये बिशप का जो जो टाइटल है, बिशप की जो खिदमत है, इसकी इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जो रूट है, कॉजेस है, वो आई कहाँ से? बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल मुकद्दस में से इसका इसका रेफरेंस देते हैं, खासतौर पर जो पौलुस रसूल के दो पासवानी खतूत है, तिमोथियस और तीतस के नाम जो खत हैं, उनमें हम ये जिक्र पढ़ते हैं, और जिसमें तीन मेजर मिनिस्ट्री हैं जो ओवरसीयर के तौर पर या लीडर्स के तौर पर आए। उनमें है क्लीसिया के बुजुर्ग हैं जिनको प्रेसबिटर कहा गया है, इसके बाद सबसे पहले अपोस्टल्स थे, रसूल, रसूलों के बाद उन्होंने क्लीसिया के बुजुर्ग, जिनका तर्जमा ग्रीक में प्रेसबिटर किया गया है, और पासवानी खतूत में जो लफ्ज आया है एपिस्कोपोस, जिसका तर्जमा उर्दू बाइबल में या इंग्लिश में बिशप किया गया है। लेकिन हम देखते हैं कि क्लीसियाई तारीख में जब चर्च एक्सपेंड हुआ है तो जिस जिस कल्चर में चर्च पहुंचा है उस कल्चर के सिस्टम को चर्च की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको अडॉप्ट किया है। मसलन आप देखें कि जेरूसलम के चर्च में काउंसिल थी, तो काउंसिल बैठी रसूलों के माल 15वें बाब में और सारे बुजुर्ग, और उस वक्त बिशप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन जब पौलुस रसूल ने रोमन ग्रेको रोमन वर्ल्ड में एंटियोक में और बाकी जगहों पर कलीसियाएं कायम की, तो वहां पर आपको घरानों के बिशप मिलते हैं, यानी जिनको हाउस होल्ड बिशप्स कहा गया है, यानी वो घराने होते थे। लेकिन जब हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी जब घरानों से निकलकर जब वो स्टेट रिलीजन बनी है कॉन्स्टेंटाइन के दौर में 325 के बाद, और इन बिटवीन 200 फर्स्ट 200 ईयर अग्नेशियस ऑफ एंटियोक, क्लेमेंट ऑफ रोम और इसके साथ बिशप पॉलिकॉर्फ ऑफ स्मरना, मतलब ये वो बड़े बड़े नाम थे इब्राई क्रिसिया में जिन्होंने बिशप के ओहदे को एलिवेट किया। जब पाकिस्तान में जब चर्च पहुंचा है तो हम ये जानते हैं कि मुकद्दस तोमा रसूल की हिस्ट्री तो मौजूद है लेकिन उस चर्च की कंटिन्यूटी नहीं है। हमारे पास जो करंट चर्च स्ट्रक्चर है पाकिस्तान के अंदर वो वेस्टर्न कॉलोनियल रेमनेंट है जो कि वेस्ट से आया। आप देखें रोमन कैथोलिक चाहे देख लें, आप चर्च ऑफ इंग्लैंड एंग्लिकन देख लें, आप प्रेस्बिटेरियंस देख लें, आप सेवनडे देख लें, आप बैप्टिस्ट देख लें, वॉट एवर यू सी, दे आर ऑल फ्रॉम द वेस्टर्न बैकग्राउंड। क्योंकि कराची का जो इलेक्शन है ये चर्च ऑफ पाकिस्तान का है जो एंग्लिकन चर्च के जुमरे में आता है और इसका हायरार्किकल सिस्टम है, यानी बुनियादी तौर पर चर्च ऑफ इंग्लैंड का बिशप ऑफ कैंटरबरी वो हेड गिना जाता है और बाकी दुनिया के अंदर इंक्लूडिंग पाकिस्तान बिशप जो होते हैं वो उनके साथ पार्टनरशिप के तौर पर काम करते हैं। आज लेकिन हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं या हम गुफ्तगु करेंगे उनका नाम पाकिस्तान में नया नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि वो मेरे नाम के सीनियर पादरी हैं और मेरा नाम एरिक सर्वर है, उनका नाम सर्वर एरिक है। फर्क सिर्फ ये है कि ही इज द मोस्ट सीनियर, ही इज द रेवरेंड और ही इज नाउ द एरिया डीन ऑफ द नेदरलैंड। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में और मेरी खिदमत में हमारे सेमिनरी भेजने से लेकर उसके बाद कराची में जबूर फेस्टिवल शुरू करने से लेकर इवन मेरी शादी होने तक ही वॉज इन द ऑल प्रोसीजर एंड ऑल फेजेस ऑफ माई लाइफ। पादरी सर्वर एरिक साहब, हम आपको आज के शो में वेलकम कहते हैं और आज के इस कॉन्वर्सेशन में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे पता है इस वक्त कराची में मौजूद हैं और कराची में सुबह हो गई है, तो थोड़ा सा बताएंगे हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को, पादरी सर्वर एरिक का पासबानी और खिदमत बैकग्राउंड क्या है, कब से आप क्या और कहाँ पर कैसे कैसे खिदमत कर रहे हैं? जी पादरी साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत प्यार और जितने देखने और सुनने वाले हैं उन सबको बहुत बहुत सलाम और प्यार। और मैं खुदावंत का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जिसने ये मुझे मौका दिया है कि मैं
कराची में आकर और ये खिदमत जो है ये कर सकूँ। मैं खुदावंद का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ इन सारी बातों के लिए जो मेरी जिंदगी में आज तक हुई है। और पर साहब अपनी खिदमत के बारे में बताइएगा, आपकी जाय पैदाइश और आपकी खिदमत का आगाज कैसे हुआ और कितने सालों से आप कहाँ कहाँ कैसे खिदमत कर रहे हैं? मेरी जाय पैदाइश जो है ये कराची है और कराची में सेंट एंड्रयूज चर्च का हमेशा मेंबर रहा और कराची ही में एक वक्त था कि बिशप अर्नी रुडवन ने मुझे कहा कि आप सबमरी ज्वाइन करें, तो उस वक्त मेरी कोई कॉल नहीं थी और ना मेरा कोई ऐसा इरादा था और मैंने उनको रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन 1980 में मेरी ज़िंदगी में एक नया दौर जब शुरू हुआ और हॉलैंड से एक फैमिली आई, पॉल फैमिली, और उनकी जो बड़ी बेटी है रोजलिन, उसके साथ मेरी मंगनी हो गई। और जब मंगनी हुई और तो फिर मैं हॉलैंड चला गया 1982 में और वहीं पर जाकर शादी हुई। और जब वहाँ पर शादी हुई तो दो तीन महीने तो मैं डच चर्च में जाता रहा, लेकिन उसके बाद मुझे कमी हुई कि हम अपनी जुबान में प्रस्तुति नहीं करते, ना कलाम को पढ़ते हैं और ना ही दूसरे लोग जमा होते हैं, तो डच चर्च में सिर्फ जाना और जाकर वहाँ बैठ कर वापस आ जाना, तो ये मुझे नहीं भाया। तो मैंने रोज से कहा कि हमें अपना चर्च जो शुरू करना चाहिए। पहले मैंने पूछा कि यहाँ अपना चर्च है, उन्होंने कहा यहाँ कोई चर्च नहीं है अपना, यहाँ सिर्फ डच चर्चेज हैं, तो वहीं पर हम जाते हैं शुरू से। यहाँ तक कि जो जब मेरा निकाह हुआ था तो मैंने वो सारा निकाह जो है वो पादरी साहब को रोमन लेटर में करके दिया था। मैंने कहा था कि मेरा निकाह जो है वो भी उर्दू जुबान में हो, तो उन्होंने ऐसा ही किया। तो उनकी रहनुमाई में पादरी साहब की जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे डच चर्च के अंदर, तो उन्होंने कहा कि आप चर्च में तो नहीं, आप बहुत कम लोग, आप घरों में अपनी इबादत कर सकते हो। तो हमने घर में इबादत शुरू की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, मैं शॉर्ट सिर्फ बताना चाहता हूँ हैरी, कि ये सब जो है ये आखिर आज एक बड़ा चर्च जो है वो बन चुका है, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि पूरे यूरोप के अंदर जो है उर्दू चर्च जो है मौजूद है। मैं खुदावंद का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने इस अदना और नाचीज खादम को अपने जलाल के लिए जो वो इस्तेमाल किया है। इस सारे प्रोसेस में जब ये मैं ये कर रहा था तो मुझे ये कमी ज़रूर होती थी कि मैंने कोई सेमिनरी नहीं की, कोई ट्रेनिंग नहीं की, तो मैंने डच जो प्रीस्ट है उनके साथ मेरी बातचीत हुई और उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर हमारा बाइबल कॉलेज है, आप उसे ज्वाइन कर लें। जब मैंने उसे ज्वाइन किया तो तकरीबन एक साल के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे लिए ये इंतहाई मुश्किल है क्योंकि डच जुबान है, अक्सरियत जो वो डच जुबान की है, और अभी मैं नया नया आया हूँ और मैं ये नहीं कर सकता, मेरे लिए मुश्किल होती है। तो फिर उन्होंने कहा कि ओके इसका कोई हल निकालते हैं। जब इसके हल की बात आई तो उन्होंने वहां से मुझे एक सर्टिफिकेट इशू किया, क्योंकि मैंने एक साल तकरीबन एक साल तीन चार महीने जो है मैंने वहां पर जो है वो बाइबल कॉलेज है वो किया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। और इत्तफाक ऐसा है कि उन दिनों बिशप बशीर जीवन जो है वो अपने दौरा में हॉलैंड आए हुए थे और उन्होंने उनके साथ बात की और बिशप बशीर जीवन ने मुझे कॉल किया, क्योंकि मैं थोड़ी देर हैदराबाद में वैसे ही रहा हूँ तो वो मुझे जानते थे। जब मैंने उनको बुलाया और जो डच लोग हैं उन्होंने मेरा रब्ता उनके साथ करवाया, तो उन्होंने कहा कि अरे ये कहते हैं कि आपका ऑर्डिनेशन करूँ, लेकिन बेटा मेरा मशवरा यह है कि बगैर तालीम के आप ऑर्डिनेशन ना करवाओ, ये इनफ नहीं है, डेढ़ साल या सवा साल आप प्रॉपर सेमिनरी करो। तो मैंने कहा बिशप साहब ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आज तो ये लोग बड़े खुश होंगे, कलीसियाएं बड़ी खुश होंगी, लेकिन कल को ये लोग खुद ही बातें करेंगे कि बगैर सेमिनरी किए ये पादरी जो है वो बन गया है। तो मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगी, तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप अगर कुछ कर सकते हैं तो मेरे लिए ज़रूर करें। तो उन्होंने डच कम्युनिटी से बात की और फिर मैं 1990 में हैदराबाद आया और हैदराबाद में आकर मैंने
जो है वो बाइबल स्कूल जो है वो हैदराबाद डायसिस का, जो कि रत्नाबाद मीरपुर के इलाके में है, वहां पर मैंने तकरीबन एक साल जो है वो बाइबल स्कूल किया। और बाइबल स्कूल के बाद उन्होंने मुझे अडेन किया एज ए डीकन। और जब मैं डीकन का मेरा ऑर्डिनेशन हुआ, ये दिसंबर का महीना था, तो उस वक्त मेरे साथ कुछ और लोग थे जो जिनका प्रेसबिटर का ऑर्डिनेशन हुआ, और मेरा जो है वो दो लोग थे जिनका डीकन का हुआ। और मेरी अपनी फैमिली जो हॉलैंड में है वो नहीं थी, लेकिन जो मेरे पाकिस्तान में जितना खानदान है वो सब जो है वो वहां पर मौजूद था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो आगाज है ऑर्डिनेशन का, ये हैदराबाद डायसिस से है। और हैदराबाद डायसिस जो है ये इसी के साथ मैं हमेशा चला हूं, और इन्हीं की वसात से आज उर्दू चर्च जो है वो कायम है हैदराबाद की वजह से। और इसके बाद तकरीबन 94 के अंदर मैंने रिक्वेस्ट की कि अब इतना टाइम हो चुका है तो मुझे मेरा प्रेसबिटर ऑर्डिनेशन जो है वो होना चाहिए। तो बिशप बशीर जीवन को कॉल किया गया, लेकिन बिशप बशीर जीवन जो है वो उन्होंने एक डेट दे दी, और उस डेट के मुताबिक हमने सारे इंतजाम डच चर्च के साथ मिलकर कर दिए। लेकिन तकरीबन एक वीक पहले बिशप बशीर जीवन का फोन आया कि वो नहीं आ सकते, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है उनके पासपोर्ट की। तो एकदम भागदौड़ मच गई कि अब क्या किया जाए, क्योंकि लेटर जब वो जा चुके हैं और अम्बेसडर और दूसरे जो आला ओहदेदारान है वो छुट्टी ले चुके हैं। तो फिर डच कम्युनिटी ने फौरन एक और राय दी कि इस वक्त इंग्लैंड के अंदर तीन बिशप जो है वो मौजूद हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि उन तीनों में से कोई एक को बुलाया जाए तो आप हमें बताएं कि कौन से बिशप को बुलाना चाहते हैं। दो का मैं नाम नहीं लूंगा, सिर्फ एक का नाम लूंगा, बिशप पीटर बिशप मनोहर रुमाल शाह जो है वो वहां पर मौजूद थे। मैंने कहा कि इनको आप बुला लें, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि ये ब्रिटिश नेशनलाइज भी है और इनके पास पासपोर्ट है, इन्हें वीजे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिशप मनोहर रुमाल शाह जो है वो आए वहां पर, और उन्होंने आकर 12/6/1994 में आकर मेरा प्रेसबिटर का ऑर्डिनेशन किया है, और ये रॉटरडम शहर के अंदर हुआ है। और अभी ये सिलसिला जारी था, और इसके दौरान 93 में मैंने हैदराबाद डायसिस बिशप बशीर जी में से बात की कि बिशप साहब, ये बाइबल स्कूल मेरे लिए काफी नहीं है, मैं प्रॉपर सेमिनरी करना चाहता हूँ। तो 93 के अंदर उन्होंने मुझे कहा डच चर्चेस के साथ मिलकर कि आप इसे मेरे पास भेज दें और मैं इसे गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी जो है वो भेज दूंगा। तो हैदराबाद डायसिस की तरफ से मैं 93 से लेकर 95 तक उनका स्टूडेंट रहा, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है हैदराबाद डायसिस ने। यानी ये तीन साल और वो पहला एक साल जो है ये मैंने हैदराबाद डायसिस के साथ गुजारा है, और वो मेरे सारे अखराजात जो है ये हैदराबाद डायसिस ने हमेशा अदा किए हैं। और जब वहां पर छुट्टियां होती थी 94 में मैं वहां पर गया था ऑर्डिनेशन करवाने के लिए, उसके बाद फिर जो दूसरी छुट्टियां होती थी हैदराबाद डायसिस में आकर मैं बिशप साहब के साथ मिलकर खिदमत करता था। और 95 में मेरी जो मास्टर ऑफ डिविनिटी है वो कंप्लीट हुई, और फिर मैं वापस जो है वो हॉलैंड जो है वो चला गया। सो इस तरह एरिक जो मेरी सारी जिंदगी जो है वो पाकिस्तान में और हॉलैंड में जो है वो गुजरी है। और मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि 2000 में जब डच चर्च ने एक डिमांड की कि आप जो है वो पाकिस्तान कहाँ से हैं, तो मैंने उनको बताया कि हैदराबाद डायसिस से। तो उन्होंने हैदराबाद डायसिस से कॉन्टेक्ट किया, और कॉन्टेक्ट जब किया तो उस वक्त बिशप जो थे वो एस के दास थे। उन्होंने कहा कि हमें आपका एक प्रीस्ट चाहिए जो हॉलैंड के अंदर खिदमत करे, हॉलैंड में ये नाम है लेकिन हम नहीं समझते कि आप क्या करना चाहते हैं। तो बिशप एस के दास ने एक लेटर जो है वो इश्यू किया कि ये हमारे चर्च का ऑर्डेन प्रीस्ट है, और ये हमारी तरफ से जो है हैदराबाद डायसिस की तरफ से हम इसे अडेन करते हैं कि ये
उर्दू चर्च हॉलैंड के जो है उसमें खिदमत करें, और वो लेटर जो है वो आज भी मेरे पास मौजूद है, और डच कम्युनिटी के पास जो डच PKN है, प्रोटेस्टेंट चर्च ऑफ नीदरलैंड, उनके पास ये मौजूद है कि उन्होंने मुझे सिर्फ अगर लिया है तो बिशप एस के दास और हैदराबाद की जो क्लर्जी है, जो डायसिसन रूल है, उसके मुताबिक उन्होंने मुझे उसमें फिट किया है, उन्होंने मुझे लिया है। और अब आगे चलकर मैं इस पर और बात करूंगा, जब मैं यहां पर मिला हूं तो उन्होंने मुझे क्या कहा। तो ये एक बात है कि जो मेरा जो ताल्लुक है वो आज तक जो है वो हैदराबाद डायसिस के साथ है, वो माने या ना माने, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा प्रूफ है जिसको वो कोई भी पूरा पाकिस्तान जो वो झुटला नहीं सकता। अभी ये बात खत्म नहीं हुई थी तो उन दिनों मेरी बातचीत जो है वो बिशप मॉडरेटर बिशप जो है पीटर हन्फ्री जो है उनके साथ होना शुरू हो गई, और उन्होंने कहा कि मैं हॉलैंड आ रहा हूं तो मैं आपके आकर सारे पेपर वगैरह जो है आपकी सारी जो चीजें हैं वो देखूंगा, तो फिर मैं आपके लिए कुछ और करना चाहता हूं। तो जब वो वहां पर आए, हॉलैंड में आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना ये सब कुछ लाए। तो मेरे पास डीकन का ऑर्डिनेशन हैदराबाद, प्रेसबिटर का जय मनोहर रुमाल शाह जिन्होंने जो पेशावर से जो बिशप थे, और उनका इत्तेफाक की यह बात है कि उन्होंने बिशप बनने के बाद जो पहला ऑर्डिनेशन किया है वो मेरा किया है। और हमेशा कहते हैं कि एरिक मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, और मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि एक बुजुर्ग शख्स ने बिशप बनने के बाद मेरे सर पर हाथ रखा और मेरा ऑर्डिनेशन किया। और वो हमेशा कहते हैं कि आपका ताल्लुक जो है वो पेशावर से भी है, और बल्कि मैं ये समझता हूँ कि मेरा ताल्लुक जो है पूरे पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। अभी ये चल रहा था तो ये बिशप साहब आ गए, पीटर हन्फ्री मॉडरेटर, इन्होंने सारे पेपर देखे, इन्होंने कहा एस के दास का लेटर देखा, इन्होंने कहा आप तो है ही सारे सारा हमारे निजाम के अंदर है आप, तो मैं आपको 2018 में उन्होंने मुझे यूरोप का एरिया डीन जो है मुकर्रर किया है, ये सब कुछ देखने के बाद, और उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ हमारी तरफ से यहां पर काम करेंगे। तो मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूं कि यूरोप में रहकर मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान का मुकम्मल हिस्सा हूं, रहा हूं और हूं। तो मैं खुदा की तारीफ करता हूं। और अब जब मुझे वहां पर खिदमत करते हुए 39 ईयर्स जब हो चुके हैं, और अब मैं वापस की तरफ जब आया हूं इस खिदमत के लिए, तो मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं खुदावंत के कलाम को देखता हूं तो खुदावंत पहले किसी को तैयार करता है किसी काम के लिए, और जब वो तैयार कर लेता है तो फिर वो उसको वहां पर खिदमत के लिए भेज देता है। और मैं साहब थैंक यू वेरी मच, आपकी इतनी फैसिनेटिंग और कहना चाहिए कि रिमार्केबल मिनिस्ट्री है, और एज अ चर्च प्लांटर से लेकर आपने नेदरलैंड के अंदर, यूरोप के अंदर, आपने वेस्टर्न यूरोप के अंदर आपने सबसे पहली उर्दू कांग्रीगेशन जो है वो आपने कायम की एज अ चर्च प्लांटर, और चर्च प्लांटर के बाद आपने ना सिर्फ ये बल्कि अपनी खानदानी जिंदगी और उसके बाद अपनी जो खिदमत है उसको भी कंटिन्यू रखा, बल्कि अपनी जो लाहियाती तालीम थी उसको भी साथ साथ में आपने कंटिन्यू रखा, और रत्नाबाद और फिर गुजरावाला थियोलॉजिकल सेमिनरी से एमडीव और फिर नेदरलैंड के अपने कोर्सेज ये सारा करने के बाद अल्टीमेटली इस सारे प्रोसेस में आपके साथ जो चर्च ऑफ पाकिस्तान के बिशप्स थे उनका बड़ा अहम किरदार रहा है। आपने तीन बिशपों के नाम लिए हैं, जीवन मल साहब से शुरू हुआ, एस के दास साहब आए, फिर मनो रुमाल शाह साहब आए, और फिर उसके बाद हम्फ्री पीटर साहब आए। यानी इसका मतलब यह है कि जो चर्च ऑफ पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है उसका जो हायरार्किकल या जो बिशप्स थे तीनों डायसेस के वो आपके साथ किसी ना किसी तरीके से रابطे में रहे। आगे बढ़ते हैं तो आपने बताया जी 39 ईयर्स 39 साल, मतलब ये एक बड़ा लंबा अरसा है, पूरी दो जनरेशन गुजर जाती हैं, और आपने ये खिदमत जो है यूरोप में की। सवाल ये पैदा होता है कि जो आपके नाकदीन हैं या जो आप पर क्रिटिक भी कर रहे हैं वो ये कहते हैं जी कि एक बंदा ने 40 साल अपनी लाइफ इन्वेस्ट की है और अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए हैं, अपनी सारी जिंदगी जो है एक तरह से वो उन्होंने यूरोप में दी है, लोग तो पाकिस्तान से निकलते हैं तो वापस का रुख नहीं करते, कहते जी निकल के छड़ गए और आप दोबारा वापस जो है वो आप लैंड हो रहे हैं, तो ऐसी क्या ऐसा क्या बोझ है, ऐसी क्या रोया है आपके पास
कि आप समझते हैं जी कि आपको आप बिशप के कैंडिडेट बनकर ज्यादा खिदमत कर सकते हैं, मौसर तौर पर ज्यादा खिदमत कर सकते हैं। जी एरिक, मैंने बताया कि मैंने 39 इयर्स जो है वो यूरोप में गुजारे हैं। ये तो मेरे 39 जो है ये तो मेरे काम के मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मुझे 41 इयर्स जो है वो हो चुके हैं वहां पर। और मैंने यूरोप के अंदर उर्दू चर्च की बुनियाद रखी और जगह जगह जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में उर्दू चर्च कायम किए और वहाँ पर जो प्रीस्ट हैं वो अटेन किए और वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो आप भी ये जानते हो कि मुझे वहाँ से यहाँ आने में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, क्योंकि मैं वहाँ पर एज ए अब तो एरिया डीन, लेकिन मैं वहाँ पर एक अच्छी खिदमत कर रहा हूँ और चर्चिज बनाए हैं। लेकिन मैंने जब अपनी जिंदगी में ये गौर किया कि मुझे 39 इयर्स हो गए और जब ये मुझे पता चला कि बिशप साहब बिशप डैनियल जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं और तकरीबन 4 तारीख को जब ये रिटायर हुए हैं, उससे पहले 2-3 दिन पहले मुझे कराची से जो कॉल आना शुरू हो गई कि आप प्लीज़ यहाँ पर आ जाएं, आपकी सख्त ज़रूरत है। तो मैंने वो सुनी अनसुनी कर दी बातें ना, क्योंकि मेरा इससे पहले कभी प्लान नहीं हुआ। मैं सिर्फ गौर करता था कि हमारे चर्च ऑफ पाकिस्तान में हो क्या रहा है, हमारे निज़ाम में कहाँ कहाँ पर मुश्किलात हैं और कहाँ कहाँ पर जो है वो हम इस तरीके को ख़त्म कर सकते हैं जो अभी जारी व सारी है। तो इन सारी बातों पर गौर करने के बाद और फिर अपनी ज़िंदगी के 39 सालों पर गौर करने के बाद जब मूसा की तरफ मेरी नज़र गई, तो मैंने इसको फिर ये सोच लिया कि खुदावंद ने मुझे तैयार कर लिया और जब खुदावंद ने मुझे तैयार किया है तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और मैं वो चीज़ें जो मैंने वहाँ पर सीखी यूरोप के अंदर रहकर, क्योंकि यूरोप की खिदमत पाकिस्तानी रहकर करना ये इंतहाई मुश्किल है, लोगों को इकट्ठा करना, क्योंकि वहाँ पर कोई गरीब नहीं है और वहाँ पर लोगों को खुदा की कुर्बत में जाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरा यूरोप जो है वो खुदा से दूर होता चला जा रहा है और हमारे लोग जो है वो इसका हिस्सा है। लेकिन अब मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जितने चर्च के साथ लोग मुंसलिक हैं वो कमिटमेंट लोग हैं और एक होकर खुदा की खिदमत कर रहे हैं। तो उन सारी बातों को लेकर जो यूरोप का निज़ाम है, कलीसियाई निज़ाम, वो मेरे अंदर जो वो घर कर चुका है और मैं उस निज़ाम को लेकर यहाँ पर आया हूँ। और उस निज़ाम में सबसे बड़ी जो बात है वो है ऊंच नीच नहीं है और मोहब्बत है, और इस मोहब्बत को इस प्यार को लेकर यहाँ पर आया हूँ और ऊंच नीच को ख़त्म करने के लिए आया हूँ, एक मिसाली काम करने के लिए आया हूँ कि बिशप कोई आसमान से उतरा हुआ नहीं है, बिशप अंदर के लोगों के साथ काम करने वाला होना चाहिए, बड़े घर में भी जाने वाला और छोटे घर में भी जाने वाला, विजिट करने वाला। आप मेरी जिंदगी के बारे में जानते हैं कि 2-3 घंटे या 4 घंटे विजिट करना शायद लोग बड़ा मुश्किल समझते हैं, लेकिन मेरे लिए बड़ा आसान है, क्योंकि मैंने ये करके दिखाया है कि पूरे यूरोप के अंदर जो है जहां जिसको जरूरत पड़ी, जहां जिसको कोई मुसीबत आई, जहां जिसको दुआ की जरूरत थी, मैं वहां पर पहुंचा हूं। लोगों के दिल जीतने के लिए, लोगों की खिदमत करने से ही आप एक अच्छे प्रीस्ट हो और आपको लोग इज्जत की निगाह से देखें, और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूं ताकि वो प्यार, वो मोहब्बत, वो जो ऊंच नीच है उसको खत्म किया जाए और कलीसियाई काम जो है जिस तरह यूरोप के अंदर होते हैं उनको किया जाए। और जो मेरे सुनने में आ रहा था या जो मैंने क्योंकि मेरा ताल्लुक हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा है, तकरीबन हर साल जो मैं यहाँ पर आता हूँ, और इसमें मैंने यही सुना कि ये हो गया, ये खत्म कर दिया, वो चली चीज चली गई, ये एक टोला है, ये काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब एक डायसिस नहीं, तकरीबन हर जगह पर यह बात सुनने में मिलती है। तो जहां तक अपनी पहुंच पहुंचती है वहां पर तो आदमी इन चीजों को कंट्रोल कर सकता है। और सर बहुत शुक्रिया आपके विजन का, आपने जो दो चीजें बताई हैं, मतलब
ऑब्वियसली यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में और सिविलाइज कंट्री के अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जो है, वहां पर तो इन बातों की समझ भी आती है, वैल्यू भी है और लोग इनको ऑनर भी करते हैं। और मुझे खुद आपके साथ इत्तेफाक हुआ है, मैंने जितनी बार हॉलैंड का विजिट किया है, यूरोप आपके साथ मुझे पता है, जब हम फ्रांस गए, जब हम इटली गए और हमने खिदमत की वहां पर, मैंने आपके साथ बड़ी जगहों पर, और तो इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग ट्रैवल, इतने इतने घंटे ट्रैवल करना, गाड़ी चलाना, और मतलब आसान काम नहीं है। लेकिन आपने दो चीजों की बात की है, इक्वालिटी, बराबरी लोगों के दरमियान, और मोहब्बत जो है, कि ये जो दो आपके मोटोज हैं बीइंग अ पास्टर या बीइंग अ बिशप या बीइंग अ चर्च लीडर होते हुए, वो होने चाहिए कॉन्ग्रीगेशन के अंदर। तो आप ये वेस्टर्न वैल्यूज जो हैं वो आप पाकिस्तानी चर्च के अंदर लाना चाहते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, कि जहां पर इतने सारे चैलेंजेस हैं, जहां पर इतने सारी कंफ्यूजन्स हैं, जहां पर इतने सारे रिजेक्शन हैं, वहां पर इतनी सारी करप्शन और पॉलिटिक्स है, तो आप जब आए हैं तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, आपकी तवक्को क्या थी और आगे आपको नजर क्या आया है, आपके साथ हुआ क्या है, चैलेंजेस जो है वो क्या है आपके? पहली बात है कि मैं समझता हूं कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता और मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मैंने हमेशा खुदावन को साथ रखकर काम किया है और खुदावन के पाक रूह के वसीला से मैंने अपनी जिंदगी का सारा आगाज किया हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि जहां पर खुदावन का पाक रूह है वहां पर हर काम जो है वो हो सकता है। लगता बहुत मुश्किल है, नामुमकिन लगता है, लेकिन जहां रूह है वहां पर सब कुछ पॉसिबल है और मुमकिन है। और मैं खुदावन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने कभी मायूस नहीं किया, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि वो साथ है। लोगों की रुकावटें जरूर आती हैं, जैसे कभी आपने बात की कि आप क्या क्या एतराजात हैं और क्या हो रहा है यहाँ पर, यही कहा था ना आपने, चैलेंजेस क्या है। तो जब मैं यहाँ पर आया हूं तो जो कलीसिया के लोग हैं उन्होंने मुझे वेलकम किया है, पुरजोश वेलकम किया है। उन्होंने कहा कि हम तब्दीली देखना चाहते हैं। जो पहले जो अल्फाज लोगों के निकले हैं उनने कहा है कि और मैं भी जो यहाँ पर आया था तो जब मैंने दो नाम सुने थे, मैं नाम नहीं लूंगा, दो नाम सुने थे कि वो बड़े पावरफुल बिशप के लिए इलेक्शन में खड़े हुए हैं और वो कामयाब होंगे। तो जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा कि ये तो फिर वही बात रहेगी कि जो पहले थे वही काम फिर होंगे। तो उसको लेकर मैं यहां पर आया और जो लोगों ने मुझे कहा वो यही कहा कि पादरी साहब हम कराची में चेंज देखना चाहते हैं और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आप जैसे लोग जब यहाँ पर आए हैं। मुश्किलात बहुत हैं, इतराजात भी बहुत सारे हैं और इतराज जो है वो मैंने अपनी पहली बातचीत में कहा कि जो ये इतराज लगाते हैं उसमें कहीं पर सच्चाई जो वो नहीं है। मैं 39 ईयर से चर्च ऑफ पाकिस्तान का प्रीस्ट हूं और रहूंगा और हूं, ये माने या ना माने, लेकिन एंड ऑफ डे इनको मानना पड़ेगा कि जो मेरे पास दो पावरफुल लेटर है वो चर्च ऑफ पाकिस्तान के हैं कि आप वहां पर काम करें, लेकिन आप चर्च ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हैं और मैं अपने आप को कभी भी चर्च ऑफ पाकिस्तान से अलहदा नहीं समझता। ये पॉलिसी है इनकी, ये शायद नहीं चाहते कि कोई तब्दीली आए और तब्दीली से लोग हमेशा डरते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मैं गवर्नमेंट वाली तब्दीली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं चर्च की तब्दीली की बात, कि चर्च में जहां पाकरू काम करेगा वहां पर 100% जब वो तब्दीली आएगी। हर कोई कहता है कि मेरे साथ पाकरू है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपके किरदार में से पाकरू जो नजर आना चाहिए। आप अपने किरदार बता दो कि पाकरू कहां पर है। तो पारी साहब, आपने जैसे जिक्र किया है एतराजात एक आपने बताया है, तो जो प्रोसेस है, जैसे आपके इल्म में आया है कि अगर मेरे भी नॉलेज में है और मुझे चूंकि इत्तफाक हुआ है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैंने जो दो बड़े दो और दो कैंडिडेट हैं, जनाब पादरी शाहिद साबर साहब और जनाब पादरी फ्रेडरिक जॉन साहब, मैंने उनका भी इंटरव्यू कंडक्ट किया है, वो भी ऑनलाइन मौजूद है, लोग देख सकते हैं, और हर एक का अपना पर्सपेक्टिव, अपना विजन और अपने चैलेंजेस हैं। तो आपने एक चैलेंज जो मुझे नजर आ रहा है आपकी गुफ्तगू से, एक तो ये है कि जो प्रोसेस है सारा इसमें, अब मुझे दुरुस्त कीजिएगा अगर कहीं मैं गलती करूं, तो सबसे पहले जो डायसिस है कराची, जैसे हम कराची की बात कर रहे हैं, तो डायसिस जो है उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो नॉमिनेट करके आगे भेजती है, ठीक है। डायसिस काउंसिल के बाद बारी आती है सिनेट काउंसिल की और फिर बाकी उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है।
तो हमारे जो दोनों फाजल कैंडिडेट्स हैं पादरी शाहिद साबर साहब और पादरी फ्रेडरिक जॉन साहब, वो दोनों ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास स्ट्रॉन्ग और उनके पास कितने वोट हैं डायसिस के कि दे कैन इजिली एक्सेस गो थ्रू द सिनेट। तो आप चूंकि आपका होम ग्राउंड जो है वो नेदरलैंड है, रोटरडैम है और यूरोप है, और आप चूंकि कराची में एज अ गेस्ट कह लें या वैसे आते रहे हैं, तो आपके साथ जो डायसिस के जो वोट हैं या वोटर्स जो हैं जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो उन्होंने आपको गो थ्रू किया है या आपका जो प्रोसेस है सिनेट तक पहुंचा है, क्या इस वक्त आप किस जगह पर खड़े हुए हैं? अभी ये पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ा मशहूर है कि पहले तो ये था कि जब मैं मिस्त्री बिशप से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनको कहा कि मुझे सारे प्रोसीजर्स के बारे में बता दें और नॉमिनेशन का जो फॉर्म है मुझे दे दें ताकि मैं उसको भर दूं, तो उन्होंने मुझसे जो बात की बड़ी अजीबोगरीब है। उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता, जबकि उन्हें इल्म है कि मेरा ताल्लुक हैदराबाद डायसिस से है, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं नहीं दे सकता। अच्छा, रीजन क्या बताइए? रीजन कुछ भी नहीं। ओके, और कहते ये चीजें जो आप मुझसे मांग रहे हैं तो बाहर से भी आपको मिल सकती हैं। मैंने कहा बाहर से तो मेरे पास आ जाएंगी, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कमिश्नरी बिशप है, आपका ये फर्ज बनता है कि अगर कोई आपसे आकर ये चीज मांगे तो आपको देनी चाहिए। उन्होंने नहीं दी, और मतलब क्या कह सकते हैं ना, अपनी अपनी सोच है, या आपने पहले से कोई डिसाइड कर रखा? जो मुझे यहां सुनने में मिल रहा है वो तो एक तरह से एक ये नाम के इलेक्शन जैसे नहीं होते कि हर कोई ये कह रहा है कि वो जी मैंने तो अपना बंदा चुन लिया, मैं तो ये कर लिया, और ये बात ऐसे लोगों के मुंह से निकलना इस इलेक्शन के अंदर जो है वो मयूब है कि ये क्या बात कर रहे हैं। आपने फिर इलेक्शन कराने हैं, आप तरीके से कराएं, जो कैंडिडेट आता है उसको आप प्रोवाइड करें, और जब आप कहते हैं कि नॉमिनेशन जब पहले इलेक्शन होते 26 को होने थे, 26 के इलेक्शन के बारे में मैंने सुना था कि 26 को नॉमिनेशन होगी और नॉमिनेशन के बाद उनके पेपर जाएंगे और स्क्रूटनी होगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन इन्होंने जो 18 तारीख को जो काउंसिल हुई है लाहौर के अंदर, वहां पर मुझे पता चला कि मैंने कोई नॉमिनेशन नहीं की, कुछ नहीं किया, और इतनी खौफजदा कि एरिक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो पारी साहब, जैसे आपने बताया कि ऑलरेडी डायसस जो मॉडरेटर साहब हैं हम्फ्री पीटर साहब, वो आपको पर्सनली जानते हैं, आपको एरिया डीन उन्होंने बनाया है, एस के दास साहब ने आपको ऑर्डिनेशन किया, आपकी रूट्स चर्च ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि जो भी बिशप यूरोप का दौरा करता है, मुझे अच्छी तरह याद है एक बार मैं जब आपके पास नेदरलैंड में था तो फैसलाबाद के बिशप जॉन सैमुअल साहब भी वहां पर मौजूद थे, हम एक जगह फ्रांस में गए थे, आपके पास ठहरे हैं। तो मेरा सवाल ये कहने का, जो भी बिशप आता है वो मेरे चर्च में आता है, प्रीचिंग करता है और मेरे घर में ठहरता है, और मैं एयरपोर्ट से लेता है फिर वापस जाने के लिए, अगर वो कहते हैं कि यहीं से जाना है तो फिर उनको बाकायदा फिर छोड़ कर आते हैं एयरपोर्ट। हमारा प्यार कम नहीं हुआ और ना होगा कभी। तो मतलब आपकी खिदमत और आपकी जो अकीदत है वो तो बिशप्स के साथ रही है और सारे आपको बखूबी जानते भी हैं यूरोप के हवाले से, और आपने उनको सर्व भी किया है, लेकिन आपको जो इन सारे, क्योंकि बड़े स्ट्रांग वोट हैं बिशप साहबान के, और जाहिर है कि हमारा कॉन्टेक्स्ट कल्चरल ऐसा है कि वहां पर जो लीडर होता है वो इन्फ्लुएंस करता है सारे लोगों को, तो आपको किसी शख्स ने इनकरेजमेंट या जितने बिशप्स आपने जिनको सर्व किया है जो आपके पास ठहरे हैं, आपके पास आए हैं यूरोप में, उनमें से किसी के साथ आपकी मुलाकात हुई या उन्होंने आपको इस बारे में क्या बोला है, अपनी सपोर्ट या अपनी ब्लेसिंग का कोई उन्होंने इजहार किया है इलेक्शन में? मैं समझता हूं कि जो बिशप मनोहर माल शाह है वो आज भी मेरे सर पर हाथ रखते हैं और दुआ करते हैं कि एरिक मैंने तेरी जिंदगी को देखा है, तू सारी शान शौकत छोड़कर तू यहाँ पर आया है और मुझे लगता है कि तू खिदमत के लिए आया है, और उन्होंने मेरे लिए दुआ की है, और मैं यही समझता हूँ कि बुजुर्गों की दुआएं जो हैं वही रंग लाती हैं, और खुदावंद जो है वो एरिक दिलों को जानता है, और मैं भी ये कहता हूँ कि खुदावंद
तू मुझे जांच और तू मुझे परख, देख मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं। अगर तो कहीं पर गलत बात है तो खुदावंद खुद इंसाफ करेगा। लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये कोशिश करें, मैं भी अपनी कोशिश कर रहा हूं और मेरी कोशिश में मेरा हेड जो है वो मेरा जिंदा खुदावंद है, मैं उसकी तरफ देख रहा हूं। पर साहब इस वक्त जो सिचुएशन जो मुझे आपकी बात से समझ आई है वो ये है कि अभी तक ना तो नॉमिनेशन भरे गए हैं, ना अभी तक आपकी तरफ से कोई एप्लीकेशन गई है, लेकिन जो सिनेट की काउंसिल हुई है आपने जो बताया है उसके मुताबिक उन्होंने ऑलरेडी आपको डिस्क्वालिफाई कर दिया है और जो है उसका मतलब ये हुआ कि यू आर नो मोर अ कैंडिडेट। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि नहीं यार, मैं भी स्टिल अंदर हूं। अच्छा, मैं बाहर नहीं हूं क्योंकि वो उन्होंने कहा है, क्योंकि मेरे पास जो जो सर्टिफिकेट जो पेपर्स हैं वो, क्योंकि मैं तो उनको कहीं कहा ही नहीं कि मुझे इन करो इलेक्शन के लिए, वो तो उन्होंने अपनी मर्जी से किया है। और अगर अपनी मर्जी से किया है तो फिर ये जुटला दें कि मैं 39 ईयर से चर्च ऑफ पाकिस्तान में हूं, काम कर रहा हूं एज अ डायसिस की तरफ से, या तो वो उन लोगों को जुटला दें जो वो बिशप साहिबान है जो एरिया डीन बनाया, वो किस नीयत से बनाया, क्यों बनाया, क्यों आकर फिर वो सारे काम करते हैं जब एंड में आकर वो कह देते हैं जी आप नहीं, ये क्या पॉलिसी है। ओके, सो मुझे इससे समझ आई है कि आपका जो इस वक्त शिकवा है या आपकी जो कंप्लेन है या गिला जो है वो लीडरशिप से ये है कि भाई आपके साथ और आपके तवस्सुत से और आपकी ऑर्डिनेशन आपकी ब्लेसिंग के साथ 39 साल की इन्वेस्टमेंट है मिनिस्ट्री की यूरोप के अंदर, और आज जब आप आए हैं दोबारा से इस पोजीशन पे सर्व करने के लिए तो वो आपको डिनाई कर रहे हैं, मतलब वो आपको डिनाई कर रहे हैं कि आप नहीं हैं। बिल्कुल एरिक, जो हमारा चर्च है उसका नाम ही है यार चर्च ऑफ पाकिस्तान, उर्दू चर्च चर्च ऑफ पाकिस्तान, तो वहां आकर तो ये बातें करते हैं और आज कह दें कि ये चर्च ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, या हमने कुछ नहीं किया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, क्यों पेपर देखते हैं फिर, क्यों बनाते हैं फिर किसी को। ओके, सॉरी, ये जो मेरे सुनने वाले हैं या जो कंसर्न लोग हैं लीडरशिप हैं, आप तक जब आवाज पहुंचे तो आप जरूर ये गिला रिकॉर्ड कीजिएगा और सुनिएगा कि जब 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 हम लोग, चले मेरा तो खैर पर्सनल एक खानदानी रिश्ता है, मेरी तो अलग स्टोरी है, लेकिन जब हम उतरते हैं उस मुल्क के अंदर और जब हमें कोई शख्स एंटरटेन करता है, और आप सब जानते हैं कि यूरोप या अमेरिका की लाइफ, मैं इस वक्त कैलिफोर्निया यूएस में मौजूद हूँ और यहाँ की जो लाइफ है इट्स सो हैक्टिक सो बिजी, किसी के पास कोई टाइम नहीं किसी के लिए, और एक शख्स जो आपको ना सिर्फ एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप देता है, आपको घर में रखता है, आपको सोने के लिए बिस्तर मिलता है और आपको सारी एंटरटेनमेंट आपको फैसिलिटेट किया जाता है जब वहां मौजूद होते हैं, लेकिन जब अब उनकी बारी है कि वो आकर तो आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपके साथ मौजूद हैं और उनको डिनाई किया जा रहा है, सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। हमारे पाकिस्तान में बड़े मशहूर जियो न्यूज के हैं सुहेल वड़ाई साहब, उनका बड़ा मशहूर मकोला है जी, क्या ये खुला तजाद नहीं है, तो ये रियली खुला तजाद है कि जब वहां पर होते हैं ऑन ग्राउंड कुछ और रवैया होता है, जब यहाँ पर होते हैं कुछ और रवैया होता है, तो दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। सो पारी साहब आप, अरे मैं सॉरी एक बात करना चाहता हूँ, आपने सुहेल वड़ाइश का नाम लिया और मैं अपने प्रिंसिपल साहब, मरहूम प्रिंसिपल साहब आर्थर जेम्स की एक बात बताता हूँ कि जब वो हॉलैंड में थे तो मैंने उन्हें कहा कि पारी साहब सर जी यहाँ पर जो लोग आते हैं इतना प्यार करते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता, मेरे साथ सब लोगों का बड़ा प्यार है। उन्होंने एक बात मुझे कही, उन्होंने कहा एरिक ये बात याद रखना कि जब ये आपके घर में है तो आपको प्यार करेंगे, जब आप इनके घर में जाएंगे तो फिर प्यार करेंगे, तो फिर मुझे बताना। और मैं अपने उस बुजुर्ग की बात को अभी ये होता हुआ देख रहा हूं। तो चलें जी, ये एक गिला भी है और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो लीडर्स हैं, जो सीनेट के अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो इस पे गौर करेंगे कि क्या हो रहा है। पर साहब आप हमें ये बताइएगा कि इस वक्त चूंकि जो सिचुएशन चल रही है और इसके मुताबिक आप जो है वो चर्च के अंदर कौन सी ऐसी आपका जो रोया, दो चीजें आपने बताई हैं, लव और इक्वालिटी, मोहब्बत और बराबरी, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो प्रीवियस जो साबका बिशप्स थे उनसे मिस हो गई, कौन से गैप्स हैं जो आप समझते हैं कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो शख्सियत है, आपकी जो खिदमत है, वो उन गैप्स को सही तरीके से भर सकती है, यानी आपके अंदर ऐसी कौन सी वो क्वालिटी है जो पिछले बिशप्स जो थे उनमें लैक करते थे, उनमें मन नहीं थी और आप उसको फिल कर सकते हैं और कलीसिया को आगे लेके जा सकते हैं।
देखिए एरिक, मैं जो पहली बात जो करना चाहता हूँ वो है पादरी साहबान के बारे में, क्योंकि उनकी जिंदगी जो है वो आरामदेह होनी चाहिए, उनको मुआश की फिक्र ना हो, वो लोग खुदावंद की खिदमत दिल के साथ करें, उन्हें ये फिक्र ना हो कि उन्हें बच्चे को पढ़ाना है, उन्होंने हॉस्पिटल जाना है, उनकी जो मुश्किलात है, उनके घर के अंदर पानी नहीं है या उनकी जो तकलीफें हैं, सबसे पहले तो मैं उसको दूर करना चाहता हूँ। और चर्चिस जहां पर जरूरत है वहां पर उनको बड़ा किया जा सकता है और नए भी बन सकते हैं। लेकिन मैंने जो यहाँ पर जो कमी महसूस की है वो ये सबसे बड़ी कमी है कि हमारे पादरी साहबान जो वो स्ट्रांग होने चाहिए, और इस स्ट्रांग में मुझे पता चला कि उनकी कटौती जो है वो पे में से 60% जो कटौती होती है वो डायसिस में चली जाती है। और मेरा जो मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि जो पादरी साहबान है उनकी जो मुआश की फिक्र है वो उनकी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए, और उनकी ये कटौती सिस्टम जो है इसको तकरीबन 10% पर लाकर और जो उनका कट चुका है उसको किसी भी तरीके से उनको लौटाना, ताकि वो ज़हनी तौर पर सिर्फ और सिर्फ खुदा की खिदमत के लिए हो जाएं, खुदा की खिदमत करें और चर्च ग्रो करें, कलीसियाएं बढ़ें। ये मेरा ये सबसे बड़ा एम जो ये है कि ये जो है जो पादरी साहबान है उनको स्टैंड करना। और ठीक है जी, नंबर टू और प्लीज बताइएगा। नंबर टू जो है वो कलीसिया है, क्योंकि कलीसिया के अंदर अगर आप नहीं जाते, अगर आप वहां पर काम नहीं करते तो आपकी मोहब्बत नहीं है वहां पर। एज ए बिशप अगर मैं इलेक्ट हो जाता हूं तो मैंने तकरीबन हर चर्च के अंदर जाना है और हर चर्च के अंदर जाकर खिदमत करनी है और बताना है कि ये अब यूरोपीय निजाम जब आ गए छोटे से लेकर बड़े तक हर चर्च में, और ये उनका काम है तो वो करें, सिर्फ बड़े चर्च में बैठ जाना काफी नहीं है। ठीक है पारी साहब, आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो मुझे समझ आया वो ये है कि पास्टरल डेवलपमेंट जो है, पादरियों की जो इकोनॉमिक बर्डन है उसको लाइट किया जाए, और पादरी साहबानों की जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो जो जो उनका 70% या 60% जो आपने बताया है जो कटौती होती है और वो डायसिस के फंड में जाता है वो पादरी साहबान को मिलना चाहिए, ताकि वो आजादी के साथ खिदमत कर सकें और फाइनेंशियल बोझ से फ्री होकर खिदमत करें। यार इट्स अ बिग टास्क, और पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में और खासतौर पर जहां पर कलीसियाएं जो है वो गरीब हैं और पाकिस्तान में बहुत सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, जाहिर है इट्स अ बिग इकोनॉमिकल डेवलपमेंट प्लान, और खुदावंद जो है वो जरूर आपके वसीले ये काम करेगा। पर साहब आप हमें ये बताइएगा कि आखिरी इसको वाइंड अप करते हैं, इन केस अगर आप किसी तरीके से या किसी वजह से आप इलेक्ट नहीं हो पाते या आप कैंडिडेसी से बाहर हो जाते हैं जैसे आपने बताया है, तो आप अपने आप को फ्यूचर में चर्च के अंदर या चर्च पाकिस्तान या चर्च इन पाकिस्तान में आप अपने राबतों को, अपने खिदमत को, अपने कनेक्शन को कैसे देखते हैं? पहली बात यह है कि एरिक ये कर नहीं सकते, क्योंकि मैं 39 साल से ये खिदमत कर रहा हूँ और चर्च ऑफ पाकिस्तान के थ्रू कर रहा हूँ, ये डिनाई नहीं कर सकते। और अगर हो भी जाता है, मिसाल के तौर पर ये नहीं मुझे अंदर आने देते, तो मेरी मोहब्बत तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और शायद मैं बीच में गुस्से से भी बोल गया हूँ, ये एक वक्ती तौर पर गुस्सा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर खुदावंद हमारी ज़िंदगी में है, यीशु नासरी हमारे साथ है, तो हम किसी से नफरत नहीं कर सकते, वो मोहब्बत वहीं पर रहेगी, वो मोहब्बत कोई जुदा नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि फिर ये तब्दील होना ही नहीं चाहते, अगर मैं नहीं आता तो ये तब्दीली चाहते ही नहीं, ये इसी तरीके से ही इस गेम को जारी व सारी रखना चाहते हैं कि पैसे आए पैसे चले जाएं, पैसे आए पैसे चले जाएं। अब मेरा मतलब समझ गए और सुनने वाले भी समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और मैं ये नहीं करना चाहता, मैं खुलेआम कह रहा हूँ। हालांकि लोग कहते हैं कि यूरोप से आया, मैं शानो शाह को छोड़ के जरूर आया, लेकिन मैं बोरियां भरकर नहीं लाया, मैं आया हूं खिदमत करने के लिए और मैंने करनी है। और मैं आज ये बात आपके इस चैनल के थ्रू, आपके इस इंटरव्यू के थ्रू कलीसियाओं को बताना चाहता हूं कि अगर आप तब्दीली देखना चाहते हो, अगर आप करप्शन से बचना चाहते हो, तो मेरा साथ दें, मेरा साथ दें,
और वो पादरी साहबान जो डायसिस का हिस्सा है, जो कौंसिल के अंदर है, जो अपग्रेड है, जो लो है, ये जितने भी हैं, अगर ये वाकई तब्दीली देखना चाहते हैं तो मेरे साथ आकर खड़े हो जाए, नहीं तो फिर वही ये सिलसिला जो है कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला जो है वो जारी वसारी रहेगा। और मैं ऐलानिया कह रहा हूं कि मेरे बारे में आप ज्यादा, आप तो मुझे मेरे शादी के दौर से जानते हैं कि यहाँ पर मशहूर है कि तीन शादियां हैं जो ये है, वो मैं कहता भाई क्या क्या कह रहे हो, मुझे दुनिया जानती है, मेरी बीवी को जानते हैं लोग, मतलब किस तरह की बातें करते हो, कौन से बोरे, कौन सी बीवी है यार, शर्म करो, कुछ तो ख्याल करो। आपके साथ एक नाम जुड़ा हुआ है जिसको आप कहते हैं कि यीशु मसीह को आप झूठ बोलते वक्त तो कम से कम ख्याल करो कि मैं क्या कह रहा हूं। तो अगर ये तब्दीली नहीं देखना चाहते, अगर ये उसी कोलू के बैल की तरह अगर चक्कर ही लगाते रहना है और इसी तरीके से ये इलेक्शन होने हैं तो फिर खैर बात, फिर सलाम, मतलब फिर नहीं, क्योंकि मैं कराची का हूं और मैं कराची के लिए ही अपने आप को वक्त किया है। थैंक यू पारे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, आपने देखा है पारे साहब ने अपना दिल खोला है आज आपके सामने, और उन्होंने अपना जो बोझ है, अपना जो बर्डन है वो शेयर किया है कि वो एक तो इक्वालिटी है, नंबर टू वो खुदा की मोहब्बत लव वो शेयर करना चाहते हैं, नंबर थ्री प्रैक्टिकल ग्रास रूट के ऊपर जो पादरी साहबान हैं डायसिस के या जो गरीब पादरी हैं जिन पर फाइनेंशियल बर्डन है, वो उस बर्डन को उठाना चाहते हैं ताकि पादरी साहबान यकसुई के साथ खिदमत कर सकें। और ऑब्वियसली बात है, जब इस तरह की बातें हो रही हैं, आपने सोशल मीडिया पर कैंपेन भी देखी होगी, पादरी साहब की करेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की गई है और उनके बारे में गलत अफवाहें, गलत वीडियोज और गलत पिक्चर जो हैं वो सर्कुलेट हुई हैं। और मेरे लिए, चूंकि मेरे वो एक तरह से बाप की जगह पर हैं और मेरा उनके साथ एक एक फर्क किस्म का ताल्लुक है, लेकिन हमने ये मुनासिब समझा कि उनकी जो आवाज है, उनका जो पैशन है, वो आप तक जरूर पहुंचाया जाए ताकि जो गलत फहमियां हैं लोगों के दिलों में, जो आप सोशल मीडिया पर फेक न्यूज देख रहे हैं या जो आप मुख्तलिफ ट्वीट्स या मुख्तलिफ आप जो है फीड्स देख रहे हैं, उनकी बजाय आप बराह रास्त उनसे बात करें और उनसे उनसे मुलाकात करने की कोशिश करें। हमारी ये दुआ है कि खुदा चर्च ऑफ पाकिस्तान को, खुदा कराची डायसिस को अपने जलाल के लिए, अपने नाम के लिए, खिदमत के लिए सर्व करे। और ये जो इलेक्शन है, मैं ये बार बार कहना चाहता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ माई एनालिसिस विद द प्रीवियस टू कैंडिडेट्स, मेरा जो इंटरव्यू मैंने कंडक्ट किया है या जो मेरे अपने जो दोस्त हैं जो रबते हैं पाकिस्तान में और चर्च ऑफ पाकिस्तान के अलावा भी, ये जो इलेक्शन है मेरे जीजो, दिस इज अ लिटमस टेस्ट, ये एक तरह का टेस्ट होगा चर्च ऑफ पाकिस्तान की फ्यूचर लीडरशिप के लिए, क्योंकि कराची डायसिस टोन और रोड मैप सेट करेगी आने वाले दिनों में, जब रायवंड, जब लाहौर, जब फैसलाबाद या बाकी डायसिस के इलेक्शन होंगे। सो जैसे पारी साहब ने कहा है कि ना सिर्फ ये चेंज जरूरी है बल्कि चर्च इटसेल्फ इज चेंजिंग पेंडेमिक के दौर में, और पेंडेमिक के बाद जिस अंदाज से कलीसियाओं के ऊपर बोझ हुआ है पारी साहबान के ऊपर, हमें जरूरत है कि चेंज आए और पॉजिटिव चेंज आए जो कि इससे पहले नहीं हो सका। पारी साहब कोई फाइनल थॉट, कोई फाइनल पैगाम देना चाहेंगे सुनने वालों को, देखने वालों को, या वो लोग जो आपको, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आपके साथ वो कैसे दुआ कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके जहन में हैं और आप उनसे कहना चाहते हैं फाइनल थॉट के तौर पर? बेटा एरिक, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि खड़े हो जाएं लोग और दुआ में ठहरे, अगर वाकई कोई तब्दीली देखना चाहते हैं। अगर वही पैसों वाली बातें करनी है तो कोई भी बन सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये पैसों वाली गेम जो है ना, ये निजाम को बर्बाद कर चुकी है। जो पैसे देकर बनेगा वो पैसे फिर बटोरेगा भी, और मैं ये रस्म जो है इसको तोड़ना चाहता हूं, खत्म करना चाहता हूं कि खुदा के लिए इस रस्म को खत्म कर दो, ये बोरा सिस्टम या ब्रीफ के सिस्टम जो है इसका एंड कर दो, ये खुदावंद की खिदमत का काम है, इसके लिए तो इस अदारे को तो बख्श दो, खुदा के लिए बख्श दो। और मैं कलीसियाओं से दरख्वास्त करूंगा, आप मेरा नंबर जो है वो जरूर यहां पर चला दें, क्योंकि आपको पता है कि हॉलैंड के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर रात दिन लोग मुझे फोन कर सकते हैं, और मैं अगर हूं तो मैं उठाता हूं फोन। मैंने कभी नींद या इस चीज को नहीं देखा कि ये दूर है या नजदीक है, जिसको जरूरत है मैं उसके पास खड़ा होता हूं। और यहां पर भी कराची बलूचिस्तान के अंदर अगर किसी को जरूरत पड़ेगी, अगर मैं बिशप हुआ तो मैं उनके लिए खिदमत करने के लिए 24 घंटे जब हाजिर हूँ। बिशप हाउस के दरवाजे किसी के लिए
बंद नहीं होंगे, वो खुले रहेंगे और रात दिन सर्विस जब जारी वसारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच पारी साहब, आपकी खिदमत का, आपकी अपना बोझ और अपना विजन, अपनी रोया शेयर करने का। खुदावंद आपको बरकत दे, हमारी दुआएं और वेल विशेस आपके साथ हैं कि खुदावंद आपको कामयाब करे और आपके खानदान को बरकत दे, आमीन। थैंक यू वेरी मच पारी साहब, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और आखिर में फिर मैं सब सुनने वालों और देखने वालों को बरकत की दुआ देता हूं और ये दुआ करता हूं कि वो सब भी दुआ करें कि हम निजाम को तब्दील कर सके, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, देखने वालों को और अपना और अपने खानदान वालों का कोविड में ख्याल रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।